अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? कैसे हाल अहवाल हैं बच्चे सब? फैमिली खैरियत से हैं? आज तो गुजरात में वेदर बहुत मज़े का था। गुजरात वाले तो कुछ आज खूब इंजॉय कर रहे थे वेदर को। और प्रिंस जो गुजरात में जो है वो जिस वक्त फ्रांस का शहर वेनिस बना हुआ था, और स्प्रिंग ओनियन वालों ने तो उसको चार चांद लगा दिए वेदर का, और उस पानी का खूब फ़ायदा उठाया इन लोगों ने। तो ऐसे जैसे जनाब ऐसे तुर्कश माहौल बनाया होता। आप पता है गुजरात में सबसे स्पेशल शवारमा का जब नाम आता है तो सबसे पहला नाम जो आता है आपकी ज़ुबान पे वो आता है स्प्रिंग ओनियन का। स्प्रिंग ओनियन ये वो शवारमा पॉइंट है या वो शवारमा रेस्टोरेंट है जिसने सबसे पहले गुजरात में डोनर शवारमा जो है वो मुतारफ़ करवाया था। और आज भी मज़े की बात जो है वो ये है कि इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी सेम फर्स्ट डे वाली है, जिसकी वजह से आज भी यहाँ पे रश ऐसे ही है जैसे पहले दिन से। ऐसे लोगों का हजूम और एक रश था, क्रेज़ था, क्रश था शवारमा का। वैसे तो आपको पता है गुजरात में शवारमा पॉइंट तो बहुत सारे हो चुके हैं। कोई 100 के 4 देर है, कोई 100 का 1 देर है, कोई 100 के 2 देर है, लेकिन इनका जो मेयार है, इनकी जो क्वालिटी है, इनकी जो अपनी चिकन की रेसिपी है। शवारमा तो तैयार जो करते हैं ये डिफरेंट प्रोसेस से गुजार के चिकन को रेडी करते हैं शवारमा के लिए, फिर आप अपनी मर्जी का शवारमा जो है वो स्प्रिंग ओनियन से तैयार करवा सकते हैं। अपनी मर्जी से सॉस वगैरह कुछ भी ऐड करवा सकते हैं। आपने चीज़ ऐड करवानी है, आपने एक्स्ट्रा ऑलिव ऐड करवाने हैं, आपने पिकल्स वगैरह, एलोपिनो, एक्स्ट्रा सैलड वगैरह, कुछ भी आप अपने स्टाइल का शवारमा बनवा सकते हैं, इनसे तैयार करवा सकते हैं। मैं तो पीटा ब्रेड से यूज़ करता हूँ, तो वैसे कुछ लोग पराठा रोल भी यहाँ से तैयार करवाते हैं अपनी मर्ज़ी से। और पास्ता इनका पूछिए मत, पास्ता आप खाएंगे तो फिर आप खाते ही जाएंगे। हालांकि स्पेशलिटी इनकी शवारमा की है, लेकिन पास्ता में भी ये बहुत आगे जा चुके हैं। गुजरात में इनका बहुत नाम है। आप जब भी गुजरात आएँ स्प्रिंग ओनियन का शवारमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरी आपको सजेशन है, ज़रूर आप ये डिफरेंट किस्म का शवारमा है, क्योंकि ये आप सास जो है ये ख़ुद तैयार करते हैं, इनकी अपनी रेसिपी है, तो आप इसको इंजॉय करेंगे। आज मौसम को तो इंजॉय किया, बारिश को इंजॉय किया, सोचा आज फिर शवारमे को भी खा के जो है वो मौसम का और मज़ा जो है वो दोबाला किया जाए। तो मैं तो ये खा के मज़े लूँगा, साथ मूवी देखूँगा। तो आप लोग दोस्त ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ, जो लोग भी यहाँ पे नहीं गए, अगर जब वो फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ जब जाएंगे विज़िट करेंगे, तो आपको एक नई चीज़ वो ये मिलेगी कि यहाँ पे बच्चों के लिए जो है वो प्ले लैंड तो नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा मज़े का फिश एक्वेरियम है। बच्चे उसमें जब फिशेस देखेंगे तो बच्चे उसको बहुत इंजॉय करेंगे, और आप जो है अपना शवारमा इंजॉय करेंगे अपनी मिसेस के साथ, फैमिली के साथ। क्या ख्याल है दोस्तों? तो ये मैंने सोचा साथ साथ आपको फिश एक्वेरियम भी दिखाता चलूँ कि बच्चे भी इसको इंजॉय करें। अभी देखेंगे तो वो बोलेंगे कि हमने जाना है स्प्रिंग ओनियन में, जाना है शवारमा भी खाएँगे और साथ साथ फिशेस को भी इंजॉय करेंगे और आप शवारमा को इंजॉय करेंगे। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को जो है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी ये मेहनत, मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो मुझे आपके इन कीमती अल्फाज का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप सबको अपने सम्मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। और आप सब के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह हाफिज़।